नमस्कार दोस्तों, इस हफ्ते के निफ्टी व्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो एनालिसिस है ये केवल सीरियस और मैच्योर्ड इन्वेस्टर या ट्रेडर्स के लिए है। दोस्तों, एक और बात के लिए मैं आपको सचेत करना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी दर्शकों ने कमेंट्स के द्वारा बताया कि हमारे इस चैनल के साथ काफ़ी यूट्यूब चैनल जुड़ चुके हैं जो इस एनालिसिस को देख के अपना एनालिसिस इसी टाइप से सिमिलर टाइप का एनालिसिस करके अपने चैनल पे शेयर करते हैं और वहाँ पे वो एक अच्छी खासी रकम आपसे बटोर लेते हैं। तो दोस्तों, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि ऐसे जो फ्रॉड लोग हैं या झांसाराम हैं उनसे आप बचिए। उनको ये मालूम है कि जो भी दर्शक हमारे साथ जुड़ेगा वो केवल एक बार के लिए ही जुड़ेगा और जैसे ही वो जुड़ता है दर्शक 10,000, 20,000 या 30,000 रुपये की फ़ीस देके जब उसको एनालिसिस दिखता है तो उसको दिखता है कि ये तो सेम एनालिसिस है, उसी तरीके से किया गया है जैसा कि हम अपने चैनल के ऊपर करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ऐसे लोगों का ऑब्जेक्टिव या मकसद जो है केवल आपको झांसा देना है, आपके पैसे ऐंठना है। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। दोस्तों, इस वीडियो का एक डिस्क्लेमर भी है जो कि आपको अपनी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये केवल एजुकेशन और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपके साथ मैं आप शेयर कर रहा हूँ और इसको आप केवल अपने सीखने के लिए इसका इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको जून के जो कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इस महीने के कुछ नंबर्स आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। इस महीने हमारा जो इंडेक्स है उसके अंदर वॉल्यूम्स काफ़ी कम रही। अगर कुछ नंबर्स मुझे आपके साथ शेयर करने हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इंडेक्स फ्यूचर के अंदर लगभग 3,000 करोड़ की पोजीशंस को क्लोज किया गया। इंडेक्स ऑप्शन के अंदर 15,000 करोड़ की पोजीशंस को क्लोज किया गया। स्टॉक फ्यूचर के अंदर 800 करोड़ की पोजीशंस को क्लोज किया गया और स्टॉक ऑप्शन के अंदर 750 करोड़ की पोजीशंस को क्लोज किया गया। तो दोस्तों, ये नंबर एग्जैक्ट नंबर नहीं है, अप्रॉक्सीमेशन है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि ये जो नंबर है दोस्तों, अलग अलग सोर्सेज के ऊपर अलग अलग नंबर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये एक समरी थी इस महीने की जिसका आप ध्यान रखिए। तो आइए चलते हैं अब हम चार्ट्स के ऊपर। तो दोस्तों, बीच में मार्केट एक या दो दिन जब ऊपर गई तो काफ़ी जो इस चैनल के दर्शक हैं उनमें से काफ़ी दर्शकों को मालूम था कि ऐसा कुछ घबराने वाली शायद बात नहीं है, लेकिन कुछ लोग जो यहाँ पे केवल टिप्स या रिकमेंडेशंस के लिए आते हैं उनको काफ़ी घबराहट शुरू होगी और उन्होंने सोशल मीडिया के ऊपर मेरे जो कमेंट सेक्शन है उसको फ्लड कर दिया कि क्या निफ्टी बुलिश हो गया है, क्या आपका एनालिसिस गलत हो गया है। तो दोस्तों, इस चीज़ का जवाब मैं पहले वाले निफ्टी व्यू वीडियो में ऑलरेडी दे चुका हूँ, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि जो पूरा वीडियो देखता है उसको पूरी बात समझ में आती है और जो केवल समरी देखता है उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुछ दर्शकों के दिमाग में एक सवाल होगा कि क्या निफ्टी बुलिश हो गया है, क्या इसने अपना ट्रेंड चेंज कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका ध्यान जो है मैं दिलाना चाहूँगा दो मारुबोजो कैंडल के ऊपर। पहली कैंडल बनी थी 6 जून को, दूसरी कैंडल बनी थी 17 जून को। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि ये जो मार्केट ऊपर की तरफ गई तो आप यहाँ पे साफ तौर पे देख सकते हैं कि इस मार्केट ने क्लोजिंग बेसिस के ऊपर इस लाइन के नज़दीक, मतलब जो ये मारू बोजू का जिसको कह लीजिए हाई पॉइंट था 11,844 आपका क्लोजिंग था 11,847 यहाँ पे आपका क्लोजिंग था 26 जून को, लेकिन इसको हम कंफर्मेशन नहीं कह सकते। उसके बाद आप देखिए अगले दो दिन जो क्लोजिंग हुई वो इस मारू बोजू हाई के नीचे हुई। तो मैं हमेशा आपको कहता हूँ कि जब भी आप निफ्टी का एनालिसिस करें 5 दिन का डेटा देखें और उसमें देखें कि कितने दिन इसके ऊपर क्लोजिंग हुई। पिछले 5 दिन में केवल एक दिन इसके थोड़ा सा ऊपर, 3 पॉइंट ऊपर क्लोजिंग हुई। तो यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि ये लेवल टूट गया। मारू बोजू का हाई और लो काफ़ी क्रूशल लेवल होते हैं, उनको फॉलो करिए। मैं आपको पिछले निफ्टी व्यू में भी बता चुका हूँ कि जब तक ये लेवल कन्विंसिंगली नहीं टूटते तब तक हमें घबराने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट इस मारू बोजू कैंडल के अंदर ही, मतलब जो ये मारू बोजू कैंडल बनी थी जिसका हाई
आप देख सकते हैं 11,844 था, लो 11,657 था। तो ये जो आपकी मूवमेंट है अभी इसी के बीच में चल रही है। अगर आपको लगता है कि 2 या 3 पॉइंट ऊपर क्लोज करने से इसका जो लेवल है वो टूट गया, मार्केट का ट्रेंड चेंज हो गया, तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको माफ़ी के साथ कहना चाहूँगा कि आपको प्राइस एक्शन ठीक से सीखना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप एक ये जो पैटर्न या कैंडल देख सकते हैं जो कि आपकी बनी है 27 जून को, ये एक हैमर टाइप की कैंडल है जो कि काफ़ी ज़्यादा बियरिश कैंडल है ये, और उसके बाद आप यहाँ पे एक बड़े वाली लाल रंग की कैंडल देख सकते हैं। तो जिन दर्शकों को लग रहा था कि निफ्टी बुलिश हो गया, मुझे नहीं मालूम किस बेसिस के ऊपर लग रहा था कि निफ्टी बुलिश हो गया, यहाँ पे दोस्तों पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मार्केट के अंदर। अगर पेशेंस नहीं है तो हम यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकते। और मैं आपसे फिर अनुरोध करूँगा कि अगर आप इतनी वॉलेटिलिटी नहीं सहन कर पा रहे या उसको हैंडल नहीं कर सकते, तो बेटर यही है कि आप इंडेक्स के अंदर ट्रेड मत करिए। आप यहाँ पे ट्रेड तभी करिए जब आपको अपने एनालिसिस के ऊपर 100% भरोसा है और आपको ये मालूम है कि जो मैंने ट्रेड लिया है सही लिया है, मेरा एनालिसिस सही है। मार्केट ऊपर नीचे होती रहेगी, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ी सी पेशेंस रखनी ज़रूरी है। और कुछ दर्शक लिखते हैं कि आपका व्यू बियरिश है, तो भाई यहाँ पे ऐसा कौन सा 13,500-14,000 का लेवल क्रॉस हो गया कि व्यू को बुलिश करना पड़े। भैया जहाँ पे आप इलेक्शन रिज़ल्ट जब आया था तो मार्केट उसी लेवल के आसपास घूम रही है, ऐसा कौन सा मार्केट ने बहुत बड़ा जंप दिखा दिया है कि मार्केट बुलिश हो गई है? तो इन सब की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे मारू बोजू के जो लेवल्स हैं उनके ऊपर नज़र रखिए। जब तक मार्केट इसके बीच में ट्रेड कर रही है कुछ घबराने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1-2 पॉइंट या 3 पॉइंट ऊपर क्लोज होना, यहाँ पे आप इसको सीरियसली क्यों नहीं लें? उसका कारण ये है कि आप वॉल्यूम देखिए, जो लाल रंग की कैंडल्स हैं उनकी वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन अभी पिछले हफ्ते जो ग्रीन कलर की कैंडल्स बनी है उनकी वॉल्यूम काफ़ी कम है। अब ये जो 27 जून को लाल रंग की जिसकी बॉडी बहुत छोटी है इस कैंडल की, यहाँ पे वॉल्यूम बहुत ज़्यादा हाई है। इसका मतलब एक जिसको कह लीजिए कि फेज्ड मैनर के अंदर सेलिंग की गई है। ये मैं आपको अपने एक स्टॉक टॉक के वीडियो में पिछले हफ्ते बता चुका हूँ। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। मैंने इस टॉपिक के ऊपर लंबी डिस्कशन इसलिए करी ताकि आपको कोई डाउट या आपके मन में कोई शंका नहीं होनी चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे अगर हम 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज देखें तो यहाँ पे जो अभी मार्केट है इसी के आसपास ही घूम रही है। अगर मुझे यहाँ पे पास्ट का एग्जांपल देना है तो हमेशा आप देखेंगे कि मार्केट एक बड़ा मूव लेने से पहले 20 पीरियड की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास कंसोलिडेट होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक बड़ा मूव आने से पहले यहाँ पे कंसोलिडेशन हुई थी, यहाँ पे एक बड़ा मूव आने से पहले कंसोलिडेशन हुई थी। अब ये कंसोलिडेशन कितने दिन चलेगी दोस्तों, इसका अंदाज़ा लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, लेकिन इस समय अभी भी इंडेक्स मैनेजमेंट चल रही है। आज मैं आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाऊँगा कि किस तरीके से आप ये पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों अब यहाँ पे एक और ख़ास बात देखने वाली जो है उसका ध्यान मैं आपकी तरफ दिलाना चाहूँगा कि अगर आप एडवांस टू डिक्लाइन रेशो देखें तो ओवरऑल अगर आप इंडेक्स का नहीं देखते, ओवरऑल मार्केट का देखते हैं, तो ये नंबर आपको ज़्यादा चौंकाने वाला नहीं लगेगा या चिंतित करने वाला नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप इसको मार्केट के हिसाब से देखते हैं तो यहाँ पर एडवांस टू डिक्लाइन रेशो 0.56 के आसपास है। तो दोस्तों इसका क्या मतलब है, इसको मैं थोड़ी देर में एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन प्राइमा फेसी इसका मतलब ये है कि पैसा जो है निफ्टी 50 के स्टॉक से निकाला जा रहा है और उसको किसी अच्छे मिड कैप या स्मॉल कैप में डाला जा रहा है। तो यहाँ पे आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा कि एडवांस टू डिक्लाइन रेशो ओवरऑल मार्केट की जो है वो आपको इतनी चिंतित करने वाली नहीं लगेगी, लेकिन अगर आप इंडेक्स की देखेंगे तो वो आपको चिंतित करने वाली
लगेगी। तो यहाँ पे एक कंक्लूजन के तौर पे मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि इसका मतलब निफ्टी 50 के कुछ स्टॉक्स में डिलीवरी बेस्ड सेलिंग हो रही है, जैसा कि मैंने पिछले हफ्ते भी आपको बताया था। और ये पैसा जो है, ये हमारा पैसा किसी अच्छे मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक्स में लगाया जा रहा है। दोस्तों, फिबोनाची के ऊपर कुछ खास देखने लायक नहीं है। यहाँ पे ये जो आपका इंडेक्स है अभी भी 23.6 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और यहाँ पे जब तक इस लेवल को नहीं तोड़ता 11,741 को, वहाँ पे इसके अंदर उसके बाद एक बड़ा मूव आ सकता है, जैसा कि आप इस केस में देख सकते हैं कि इस लेवल को जब तोड़ता है निफ्टी तो काफ़ी एक बड़ा मूव लेता है, और उसी तरह की संभावना अभी हमें दिख रही है अगर 11,741 का लेवल कन्विंसिंगली टूट जाता है। अब दोस्तों, हम चलते हैं रिलायंस के स्टॉक के ऊपर। मैंने ये बात आपको पहले भी बताई हुई है कि रिलायंस का बहुत स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन है। रिलायंस के अंदर 1.58% का ड्रॉप एक चिंता की बात है निफ्टी के लिए, तो रिलायंस के स्टॉक के ऊपर नज़र रखिए। निफ्टी केवल -0.45% गिरा, लेकिन रिलायंस में एक स्ट्रॉन्ग गिरावट देखने को मिली। कम्युनिटी टैब के ऊपर मैंने 2-3 हफ्ते पहले आपको ऑलरेडी सचेत कर दिया था रिलायंस के बारे में कि रिलायंस में एक शार्प डाउन मूव देखा जा सकता है। शार्प का मतलब दोस्तों डिपेंड करता है, मतलब स्मॉल कैप के लिए शार्प मूव 20% का हो सकता है, लेकिन एक हैवी वेट के लिए शार्प मूव 3-4% का मूव भी उसके लिए एक शार्प मूव होता है, क्योंकि वो पूरी मार्केट को हिला देता है। दोस्तों, ऑप्शन चेन अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन इस समय बियरिश दिख रही है। अब आपको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि ये मार्केट ऊपर क्यों गई थी, तो वो भी मैं आपको ऑप्शन चेन की सहायता से एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट का जो हाई था 11,911 के आसपास था 27 जून को। तो दोस्तों, यहाँ पर मार्केट को ऊपर किस लिए लेके जाया गया, भैया आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 11,900 के आसपास ला के मार्केट के अंदर आप देख सकते हैं कि जो कॉल साइड के ऊपर शॉर्ट पोजीशंस ली गई। तो दोस्तों, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए कि यहाँ पे मार्केट को किस लिए ऊपर लेके जाया गया, किस लिए उसको नीचे लेके आया गया। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि 11,900 के ऊपर ले जाने का क्या ऑब्जेक्टिव था, जो कि हमें इस समय ऑप्शन चेन बता रही है। ये मैं नहीं कह रहा, ऑप्शन चेन हमें ये बता रही है। और लॉन्ग पोजीशंस की जहाँ तक बात है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि 11,700 के ऊपर सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, लेकिन अगर आप नेट चेंज की बात करें तो 11,500 पे पोजीशंस बनना शुरू हो रही हैं। अब दोस्तों, यहाँ कुछ और ख़ास बातें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप कैश सेगमेंट के अंदर देखेंगे FIIs ने नेट बाइंग किया इस हफ्ते। उसका जवाब मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ कि पैसा जो निकाला जा रहा है निफ्टी 50 से, ऐसा लग रहा है चार्ट्स के ऊपर या एनालिसिस के द्वारा ये पैसा जो है कुछ चुनिंदा मिड कैप या स्मॉल कैप्स में निवेश किया जा रहा है। तो एडवांस टू डिक्लाइन रेशो जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताई कि आप अगर मार्केट की देखेंगे तो आपको इतनी ज़्यादा चिंता नहीं लगेगी, निफ्टी 50 की देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी चिंता दिखाई देगी। तो यहाँ पे एक सभी डेटा पॉइंट्स जो हैं वो आपस में जो पूरी कहानी है उसको बयान कर रहे हैं कि पैसा जो है वो निफ्टी 50 से मिड कैप की तरफ शायद जा रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पे FIIs जो हैं वो इंडेक्स फ्यूचर को बाय कर रहे हैं नेट बेसिस के ऊपर, और यहाँ पे जो सेलिंग है वो कैश सेगमेंट के अंदर हो रही है। तो यहाँ पे आप कंक्लूड कर सकते हैं कि इंडेक्स मैनेजमेंट अभी भी चालू है, लेकिन जो दूसरा स्मार्ट मनी है, मतलब FIIs तो एक पार्ट हो गए, इसके अलावा जो बाकी का स्मार्ट मनी है वो इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है, और कुछ और बड़े जो प्लेयर्स हैं, बड़े जो क्लाइंट्स हैं, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जो हैं, मुझे ऐसा लग रहा है कि वो भी इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट कर रहे हैं, जो कि डेटा पॉइंट्स इस समय बता रहे हैं। मैं यहाँ पे कोई भी बात अपनी तरफ से आपको नहीं बता रहा, ये सब मैं डेटा पॉइंट्स के ऊपर बात कर रहा हूँ कि FIIs क्यों बाय कर रहे हैं, क्योंकि उनको अपनी कैश सेगमेंट के अंदर पोजीशंस को क्लोज करना है, जो कि हम निफ्टी 50 में एडवांस डिक्लाइन रेशो हमें साफ तौर पे बता रही है, और बाकी का जो स्मार्ट मनी है वो इंडेक्स फ्यूचर को शॉर्ट कर रहा है, जो कि एक बियरिश साइन है। तो दोस्तों, यहाँ पे ओवरऑल मैं कंक्लूजन नहीं दूंगा। अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको साफ तौर पर समझ आ रहा होगा कि मार्केट में क्या चल रहा है।
मुझे उम्मीद है कि आपको आज का निफ्टी का व्यू पसंद आया होगा। अगर ये व्यू आपको पसंद आया तो नीचे कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, अगले हफ्ते हम फिर मिलेंगे एक नए निफ्टी व्यू के साथ, एक नई जानकारी के साथ, एक नई लर्निंग के साथ। उम्मीद है कि आपको आज भी कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो सीखना ही हमारे चैनल का ऑब्जेक्टिव है, मोटो है, मिशन है। तो अगले हफ्ते फिर मिलेंगे नई सीख के साथ, नई लर्निंग के साथ, नए निफ्टी व्यू के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें।